गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं अपने एनिमल क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 3। इसके पहले ऑलरेडी हमने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 अच्छे से पढ़ लिया है। पार्ट नंबर 1 में माय डियर हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनको कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक समझा था कि एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड वाले पार्ट में हमने ट्रिक्स देखे थे, यानी कि यार किस तरीके से इस चैप्टर को बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा याद किए तुम लोग कैसे इस चैप्टर को कर पाओगे। तो एंड में, सेकंड पार्ट के एंड में हमने 15 मिनट जो लास्ट थे उसमें हम लोगों ने ट्रिक्स और टिप्स देखे थे कि किस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इजिली, बहुत ही अच्छे मेथड के साथ। ठीक है, सो आज अभी हम लोग यहाँ पे फाइलम स्टार्ट करेंगे। और तुम लोग देखना कसम से, एक भी फाइलम का बिना आंसर, जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये बिना किए याद किए भी आप सबका आंसर दे पाओगे। हम सेकंड में जो ट्रिक्स देखे थे उसका अप्लाई करके यहाँ पे सीखेंगे। तो सेकंड वीडियो प्लीज जाके देख के आना, तो ही फायदा होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या था। सिर्फ यहां पे जरा फोकस करो। एक बार आपको ये फ्लो चार्ट में आना था, ये फ्लो चार्ट मैंने आपको याद करने बोला था। मैंने कहा था आप लोगों को कि यहां पे जो आपका फ्लो चार्ट है इसे मैंने याद करने कहा था। और फिर मैंने आपको एक और फ्लो चार्ट याद करने बोला था, जिसका नाम मैं आपको अभी यहां पे दिखाता हूं। आप यहां पे देखोगे तो आपको समझ जाएगा। यहां पे देखो, एक मिनट जस्ट देखो, ये वाला फ्लो चार्ट। तो मैंने आपको एक ये फ्लो चार्ट याद करने बोला था, इन दोनों को मैंने आपको याद करने बोला था। और कैसे ट्रिक्स था मैंने वो सेकंड वाले वीडियो में आपको बताई थी। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस एक बार जाके सेकंड वाली वीडियो इस चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन के देख लेना है, और उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, तो चलिए अभी हम लोग इन फाइलम के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आप अभी लोग हमारे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके, प्रशांत _T9 का इस्तेमाल करके, आप लोग अनअकैडमी में कोई भी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर 10% के डिस्काउंट के साथ किसी भी क्लासेस को वॉच कर सकते हो। बस गाइज, आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आप लोग अगर सपोज कैट की तैयारी कर रहे हो, यानी कि जो हमारा मतलब एंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर द मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट का एग्जाम्स आपको मालूम है ना, जैसे कि MBA का एग्जाम होता है, MBA का एग्जाम के बारे में आप जानते रहोगे, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये करके एक एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप लोग अच्छा खासा 2 साल का जो ये इसका पूरा सिलेबस रहता है, तो आप कवर करके बहुत अच्छे बड़े बड़े पोस्ट में लाइक CEO वगैरह किसी भी कंपनीज के बन सकते हो, अगर अच्छे से आप पढ़ाई करोगे तो। तो गाइज, ये मतलब बिगिनर्स लोगों के लिए, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, पढ़ के उनका कुछ नहीं हुआ, तो बिगिनर्स लोग क्या कर सकते हैं, कैट की तैयारी कर सकते हैं 2021 की बैच के लिए। ठीक है, ये जो बैच है ये स्टार्ट हो रही है 21 दिसंबर से, कभी से स्टार्ट हो रही है 21 दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दूं जो टीचर्स हैं, रवि प्रकाश एंड शबाना एंड भारत गुप्ता करके से बहुत सारे मतलब फेमस टीचर्स हैं। तो अगर आप चाहो तो आप लोग ये जो चीज़ें हैं, ये जो अपना पूरा बैच है, इसे आप लग अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। आप ये कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले चले जाओ आप लोग प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में आप लोग चले जाओ, और प्ले स्टोर में जाने बाद वहां से आप लोग ना अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लो, और उसके बाद आपको रजिस्टर और लॉगिन करने के बाद आना है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे इस वीडियो का नाम लिखा हुआ है एनिमल क्लासिफिकेशन। वहां पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग को पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें लिंक मिलेगी, लिंक में क्लिक करोगे ना तो आप लोग को पूरा अच्छे से सब कुछ ज्वाइन हो जाओगे, और फटाफट बस कोड मांगेगा तो ये वाला कोड डाल देना और आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको मैं बता दूं कि ये जो फाइलम्स हैं, ये फाइलम्स जानते हो कहां पे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अभी देखो फिर से इस फ्लो चार्ट में एक बार आ जाओ। देखो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि अपने पास फाइलम यहां पे जो किंगडम एनिमेलिया है, और ये 2 टाइप का है, पहला है सब किंगडम नॉन कॉर्डेट और एक है किंगडम हमारा कॉर्डेटा, ये हमारे पास यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टोटल 11 फाइलम थे, जिसमें से 10 फाइलम हमारे नॉन कॉर्डेटा के हैं और हमारा एक फाइलम जो है वो कॉर्डेटा का है, यानी कि सब किंगडम कॉर्डेट के पास सिर्फ एक ही फाइलम आता है और बाकी के जितने भी फाइलम है सबके सब सब किंगडम नॉन कॉर्डेट के पास जाते हैं। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझ के रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल कितने फाइलम, 11 फाइलम। आपको मैंने ट्रिक बताया था कि सिर्फ आपको एक ही फाइलम का नाम याद रखना है और बाकी आप सब फाइलम का आंसर लिख पाओगे। कैसे, देखो सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा याद कर लो, फाइलम कॉर्डेटा हमारा आता है किंगडम कॉर्डेट के अंदर, हमने देखा था, और किंगडम कॉर्डेट के अंदर फाइलम कॉर्डेटा आता है। इसके अलावा जितने भी फाइलम आ गए, लाइक फाइलम प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मॉलिस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनको याद करना पड़ेगा आपको। तो ये जो भी फाइलम आ गए, तो इन सारे फाइलम को के बारे में आपको पढ़ना ही नहीं, क्योंकि देखो यार एक फाइलम जो कॉर्डेटा है वो सिर्फ किंगडम कॉर्डेट के अंदर आता है, बाकी जो बचे वो हमारे नॉन कॉर्डेट के अंदर आते हैं।
बाकी जो बच्चे वो नॉन क्रेडिट के अंदर, तो याद हो गया ना ऑटोमेटिकली। यानी कि सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा याद रखो जो कि किंगडम हमारे सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर आता है, बाकी जो बच्चे सबके सब नॉन क्रेडिट के अंदर आते हैं, तो उनका नाम भी याद करके कोई फायदा नहीं है। बस इतना याद रख लो कि वो हाँ भाई नॉन क्रेडिट के अंदर आता है, इतना तुमको समझ के रखना है, दैट्स इट, खत्म यहीं पे चैप्टर। इतना आसान है। तो अगर आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या, अगर मान लो आपसे पूछ लिया कि डिस्क्राइब फाइलम नाइडेरिया, तो क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, द फाइलम नाइडेरिया कम्स अंडर द सब किंगडम नॉन क्रेडिट। पहला पॉइंट कंप्लीटेड। दूसरा पॉइंट, हमने अब देखो यहाँ पे नॉन क्रेडिट के हमने चार लाइन कैरेक्टर देखे थे। कहां पे हमने चार लाइन के कैरेक्टर देखे थे, आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे नॉन क्रेडिट के कैरेक्टर, देखो यहाँ पे हमने देखा था कि नॉन क्रेडिट में जो हार्ट होता है वो पीछे साइड रहता है। तो जब हार्ट हमारा डॉर्सल साइड में है तो हमारे नर्व कॉर्ड कहां रहेंगे? वेंट्रल साइड में, है ना। तो आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा भी है, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। यानी कि आप सीधा लिखोगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट, क्या लिखोगे यहाँ पे नाइडेरिया में, अगर नाइडेरिया के बारे में पूछ लिया तो। पहला पॉइंट डन, इट कम्स अंडर नॉन क्रेडिट सब किंगडम के अंदर। दूसरा पॉइंट कि इन द फाइलम नाइडेरिया देयर इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, देयर इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड जो होती है वो एब्सेंट रहती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। एंड चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। समझ गया, बन गए चार पॉइंट। चार पॉइंट यहां से बन जाएगा। अब किसी भी फाइलम का पूछा, यही सेम पॉइंट लिखना है, सबका आंसर सेम लिखना है, कोई मार्क्स नहीं काट सकता। और आपको मालूम है 11 के 11 तो आने नहीं वाले, कोई एक ही आएगा ना, तो टीचर एक का ही आंसर दिखने वाला है ना। क्या ऐसा थोड़ी कि तीन तीन फाइलम पूछेगा तो फिर आपको लगेगा तीनों का आंसर सेम लिखा है, एक ही आएगा। स्मार्ट वर्क करना इस चैप्टर में, हार्ड वर्क नहीं, गधे जैसा काम करोगे तो गधे ही रह के बन जाओगे, मर जाओगे। स्मार्ट वर्क करो। बहुत सारे बच्चों ने प्रीलिम में फुल मार्क्स निकाला है यही ट्रिक से। सब लोग सोचते थे उन्हें एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ कैसे लिया, उनको क्या पता कि हमने उनको ऐसे ट्रिक्स बता रखे। मैंने अनअकैडमी में और हर जगह अलग अलग पढ़ाता हूँ, वहां पे मैंने सबको ऐसे ट्रिक्स बता रखे हैं। ऐसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। समझ गया कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं। चलो अगर आपसे अगर आपसे पूछ ले कि फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बताओ, तो क्या बताओगे? फाइलम कॉर्डेटा कम्स अंडर सब किंगडम कॉर्डेट, एंड इन दिस फाइलम कॉर्डेटा ऑल द एनिमल्स हैविंग अ नोटोकॉर्ड, एंड इनमें हार्ट वेंट्रल साइड में एंड नर्व कॉर्ड हमारा डॉर्सल साइड में, डॉर्सल मतलब पीछे पीछे साइड में रहता है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है, दैट्स इट। तो फाइलम कॉर्डेटा के अलावा सारे के सारे फाइलम्स नॉन कॉर्डेट ही होते हैं, इसीलिए 11 फाइलम है जिसमें से सिर्फ एक को याद रखना है, जिसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा, जो सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर आता है, बाकी जो बच्चे सबके सब नॉन कॉर्डेट है। तो याद करो मत करो तो नॉन कॉर्डेट में ही रहेंगे ना। चलो अब चार पॉइंट हो गए, आपको चाहिए कि नहीं हमको 6-7 पॉइंट लिखना है। आता हूं ना, मैंने बोला था ना दूसरा चार्ट याद करना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये दूसरा चार्ट है हमारे सामने। अब इस चार्ट को आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर सपोज आपसे पूछ लिया कि फाइलम नाइडेरिया के बारे में समझाओ, कोई भी फाइलम, ऐसी आंसर लिखने का कि पहला पॉइंट हमने देखा था कि इट कम्स अंडर सब किंगडम नॉन कॉर्डेट, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था हमने कि फाइलम नाइडेरिया ऑल द एनिमल्स कम्स अंडर, आपको मालूम है ना फाइलम मतलब डिवीजन रहता है, उसके अंदर बहुत सारे एनिमल आते हैं, एक कैटेगरी होती है फाइलम जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल के नाम हम लिखते हैं। तो फाइलम नाइडेरिया कंटेन्स मेनी एनिमल्स एंड इन ऑल एनिमल्स देयर इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। दूसरा पॉइंट कंप्लीटेड। तीसरा पॉइंट, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड इन द ऑल नाइडेरियंस, जो नाइडेरिया के अंदर आते हैं ना नाइडेरियंस। अब मैं मुंबई का हूं तो मुंबईकर, तो मुंबई एक फाइलम है जिसके अंदर हम सब मुंबई वाले रहते हैं। समझ गया ना अच्छे से, ऐसा ही होता है, ये बात आपको समझ के रखना है। तो वैसे ही नाइडेरिया के अंदर बहुत सारे एनिमल्स अंडर आते हैं उस कैटेगरी के अंदर। तो वैसे ही फिर अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। अब पांचवा पॉइंट क्या लिखोगे? इन द नाइडेरियंस बॉडी कैविटी इज ऑफ अ सीलोमेट टाइप। याद है ना बॉडी कैविटी क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन सेकंड पार्ट में समझाया था, तो असीलोमेट टाइप होती है। अगला, नाइडेरियंस हैविंग रेडियल बॉडी सिमेट्री एंड दे बिलोंग्स टू टिश्यू ऑर्गन रीऑर्गेनाइजेशन। मिल गए तीन पॉइंट और, तो 7 पॉइंट लिख लिया तुमने बिना पढ़ाई किए। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। प्लीज फॉलो दिस वन। कोई भी फाइलम का आंसर लिख पाओगे चुटकी बजा के। समझ गया? हाँ। अब हम भाई, ये तो मैंने सभी के लिए बता दिया जिससे सब टॉप कर सकते उस चैप्टर को। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक होती है जिसके लिए मुझे फाइलम बताना पड़ेगा। अगर आपसे किसी ने पूछा फाइलम पॉरीफेरा के बारे में बताओ, तो क्या बताओगे? देखो मैं सारे पॉइंट आपको दिखाता हूं। पहली बात तो पॉरीफेरा, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं ना, सब किंगडम नॉन क्रेडिट के अंदर आता है ना, वो भी तो आंसर हो सकता है ना। जरूरी क्या कि ये बुक के पीछे जाओगे, फुल मार्क्स मिलेंगे यार। जरूरी नहीं है कि ये किताब के पीछे का ही, मतलब इसी को फॉलो करोगे। वहां भी तो बोला है ना कि फाइलम पॉरीफेरा बिलोंग्स टू नॉन क्रेडिटा सब किंगडम, लिख सकते हो ना वहां पर भी। दैट्स इट, सो सिंपल। अब आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पे अगर आपको लिखना ही है, देखो यहाँ पे आप कैसे किस तरीके से लिखोगे। पहली बात देखो, असिमेट्रिकल बॉडी
अब देखो मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूं, देखो कहां लिखा है, यहां आ जाओ, पॉरीफेरा दिखा रहा हूं, काहे टेंशन ले रहे हो, देखो पॉरीफेरा असिमेट्रिकल बॉडी, मैं भी क्या कह रहा था, यही कह रहा था ना, इसलिए बोला था ना ये फ्लो चार्ट याद कर लो। आओ और दिखाता हूं, और दिखाता हूं, रुको धैर्य करो, थोड़ा सबर करो, सबर करो थोड़ा सा, अब दिखाता हूं और आगे निकलो। अब देखो यहां पे आगे निकालता हूं, यहां पे रुक जाओ एक मिनट, देखो और सारे आपको आंसर्स दिखा देता हूं जितने की आपको सबके सब समझ में आ जाएंगे। ओके अब यहां पे मतलब जो आपका मतलब यहां पे असिमेट्रिकल बॉडी के साथ साथ और भी आप यहां पे बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो बॉडी के बारे में दिया हुआ है, मीन्स जो पॉरीफेरा है इसकी बॉडी के बारे में दे रखा है, तो यहां पे आपको एक असिमेट्रिकल मिल गया और इसने ना बॉडी कैविटी की बात ही नहीं की है, तो आप ना बॉडी कैविटी यहां से असिलोमेट लिख दो। अब नहीं बोला वहां पे तो क्या यहां लिखोगे, आप ढूंढ लो, मेरे को लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना, और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप यहां पे पढ़ोगे ना आपको यहां पे असिलोमेट कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा, गारंटीड आपको मिलेगा, आप एक बार रीड कर लेना प्लीज। तो मैं तो रीड ना करने वाला, तुम करो ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, पॉरीफेरा पूछेगा तो पॉरीफेरा द फाइलम पॉरीफेरा कम्स अंडर सब किंगडम नॉन कॉर्डेट, द हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, ठीक है ये लिख दोगे, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, बॉडी कैविटी बिलोंग्स टू असिलोमेट एंड बॉडी सिमेट्री बिलोंग्स टू असिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री एंड पॉरीफेरा ऑल द पॉरीफेरा हैविंग अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेलुलर ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, सेलुलर ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मैंने पढ़ाया था। तो यहां से आपको 7 पॉइंट मिल जाते हैं इस तरीके से। अब ज्यादा आपको और दिमाग लगाना है तो कह देना कि हाँ भाई ये जो होती है एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहते हैं पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के अंदर जितने भी एनिमल आएंगे सब पानी में रहते हैं, मरीन, मरीन मतलब वही पानी जो खारा पानी होता है जिसमें नमक सॉल्टी वाटर वही रहता है ये पॉरीफेरा। पोरी अब देखो इसका मतलब समझ लो, फाइलम पॉरीफेरा के अंदर जितने भी एनिमल आएंगे ना सब में पोर्स होंगे, पोर मतलब होता है होल, होल POR POR E, पोर, पोर मतलब होल होता है होल। जितने भी पॉरीफेरा रहेंगे ना सबके सबके पास क्या रहेगा, होल रहेंगे उनकी बॉडी में, समझ गया। जिन्हें हम यहाँ पे ऑस्क्यूला या स्पॉन्जीस ये सब एग्जाम्पल है, इन पोर्स का नाम होता है ऑस्टिया। अब देखो सपोज किसी की ये बॉडी है और उसके पास यहाँ पे होल है, तो इस होल का नाम क्या होल कहेंगे क्या, नहीं ऑस्टिया कहते हैं, क्या कहते हैं ऑस्टिया, ऐसा आपको समझ के रखना, या फिर ऑस्क्यूला भी आप कह सकते हो। तो इन बातों को आपको अच्छे समझ के रखना है, और भी कुछ रहेगा तो आप यहाँ पे पढ़ लो। हाँ अगर किसी ने पूछा कि ये पॉरीफेरा के अंदर के सारे एनिमल किस तरीके का रिप्रोडक्शन करते हैं, तो कह देना कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, असेक्सुअल भी करते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, ये बात आपको समझ नहीं। एक दो एग्जांपल याद कर लो, बोथ एग्जांपल में स्पॉन्जी एग्जांपल बहुत अच्छा है, याद कर लो, डायग्राम बनाने बोलता नहीं कभी भी, हो गया पॉरीफेरा, इतना ही लिखना है, 7 पॉइंट अपने फिक्स हैं। और रही बात यहां से कुछ पढ़ने की कि एक्वेटिक मतलब पानी होता है, तो पानी में रहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सब याद करना है तो कर लो, दैट्स इट। मुझे क्या है, और 10 पॉइंट लिख लोगे, दैट्स इट, सिंपल, समझ गया ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा मतलब बताता हूं, पॉरीफेरा में कौन से एनिमल आएंगे, पॉरीफेरा मतलब पोर, पोर मतलब होल, जिसकी बॉडी में होल होते हैं, उन होल का नाम था ऑस्टिया, ऑस्टिया वाले एनिमल्स सबके सब फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं, जो कि नॉन किंग नॉन कॉर्डेट के अंदर ही है, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती। अच्छा तुम ही बताओ इनमें से किसी के पास नोटोकॉर्ड है क्या, जरा बताओ मुझे, किसी के पास इनमें से नोटोकॉर्ड है क्या, ये नोटोकॉर्ड है क्या, इसके पास नोटोकॉर्ड है क्या, लिख सकते हो ना, absence of notochord। अब यहां नहीं दिया तो जरूरी क्या कि इसी को फॉलो करोगे, करो हार्ड वाला, मेरा क्या है, स्मार्ट वर्क करो ना, इसमें कहीं भी notochord है क्या, लिख दो, in the porifera all animals having absence of notochord, खत्म, they not contain a notochord, समझो ऐसा लिख दो, खत्म कहानी, और क्या लिखोगे। तो ये होता है स्मार्ट वर्क, मैंने वहां जो पढ़ा है उसको चुपचाप लिख देना, फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिले तो मैं बोल रहा हूं ना मिलेंगे यार, बात माना करो, बिलीव किया करो। आगे देखो, अगर नहीं मिले तो मेरी परीक्षा ले लो, कैसे, अपने स्कूल के प्रीलिम पेपर में एक बार आंसर लिख के देखो, दैट्स इट, समझ गया, पूरा मार्क्स मिलेगा। नाउ फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर नाइडरा के बारे में जानते हैं। अब मालूम है सिलेंट्रेटा सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर मालूम है ना, सिलेंडर सिलेंडर जैसे शेप, इससे रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिजम्स आएंगी सभी की बॉडी सिलेंड्रिकल शेप की होगी, कैसे शेप की होगी, सिलेंड्रिकल या फिर अम्ब्रेला लाइक रहेगी। पहली बात याद हो गई, समझ गया। अब आप चाहो तो इस सिलेंड्रिकल शेप वाली बॉडी को पॉलिप कहते हैं और अम्ब्रेला वाली को मेडुसा कहते हैं, अगर आपको याद करना है तो कर लो, आपकी मर्जी, वरना सिलेंट्रेटा में क्या लिखोगे, द फाइलम नाइडेरिया बिलोंग्स टू, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा एक ही बात होती है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि सिलेंट्रेटा क्या है और नाइडेरिया क्या है, स्पेलिंग याद रखना बस अच्छे से, तो एक ही बात है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया के बारे में बताओ तो क्या लिखोगे, द ऑल नाइडेरियंस बिलोंग्स टू अ सब किंगडम नॉन कॉर्डेट, they having absence of notochord, they having a heart on the dorsal side and nerve cord on the ventral side, और लिख दोगे कि नाइडेरियंस के बारे में सेकंड चार्ट का इस्तेमाल कर लेना,
सेकंड चार्ट में से जो भी दिया हुआ उसको फॉलो करो कि नाइडेरियंस जो होते हैं, यहाँ पे देखो नाइडेरियंस हैविंग अ बॉडी कैविटी ऑफ अ सिलोमेट एंड बॉडी सिमेट्री बिलोंग्स टू रेडियल सिमेट्री एंड ऑल्सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट, खत्म, 7 पॉइंट कंप्लीटेड। और लिखना है तो फिर यहां से पढ़ लो, पढ़ो, मेरा क्या है, पढ़ाई में तो बहुत कुछ होता है तो पढ़ लो ना, मेरा क्या है, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, लोकेशन देख लो कि मरीन में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी जम लेयर डिप्लोब्लास्टिक है। सिमेट्रिकल देखो यहां पर लिखा हुआ ना, सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल लिखा है कि नहीं लिखा है, और वही चीज मैंने आपको वहां भी दिखाया है, एक ही बात है, टेंशन मत लिया करो। देखो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री, नाइडेरिया रेडियल सिमेट्री, क्या मैं तुमको झूठ बताऊंगा क्या, बिलोंग बिलीव करना इंपॉर्टेंट होता है। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ सब ट्रिक तुमको ऐसा नहीं बता पाएंगे, कोई बता ही नहीं पाएगा, इसलिए आधे टीचर कहते हैं यहीं से पढ़ो। यार तुमको बताने तो आना चाहिए, तब ना कहेंगे कि यहां से पढ़ो कि नहीं पढ़ो, मैं तुमको बता रहा हूं ना, मुझे मालूम है तो मैं बता रहा हूं, जिसको नहीं मालूम होगा तुमको कहेगा यहीं से पढ़ लो, अब तुम गधों जैसा लग जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है, बताने वाला भी चाहिए ना तुमको, तो मैं बता रहा हूं इसको फॉलो करना, ठीक है, ऐसे ही लिखना। एग्जाम्पल याद कर लो, हाइड्रा, हाइड्रा याद कर लो, हाइड्रा बिलोंग्स टू नाइडेरिया, मतलब हाइड्रा जैसे सारे के सारे एनिमल नाइडेरिया के अंदर आते हैं। अब आपको मालूम ही होगा ना, याद होगा कि नहीं याद होगा, हाइड्रा थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन, क्या कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से करता है, क्या सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मालूम है ना, बडिंग, हाइड्रा में बडिंग होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी लिख सकते हो कि हाइड्रा द एनिमल या प्लांट, द हाइड्रा बिलोंग्स टू द नाइडेरिया एंड इट इज डूइंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे आपको समझना है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। अब आते हैं प्लैटीहेल्मिंथस, आप सुन के दंग रह जाओगे कि प्लैटीहेल्मिंथस एग्जैक्टली क्या होता है, जरा देखो यहाँ पे, प्लैटी, प्लैटी मीन्स फ्लैट, पतला, चपटा, फ्लैट, हेल्मिंथस मीन्स जस्ट एक बॉडी का नाम है, तो प्लैटीहेल्मिंथस में फ्लैट बॉडी, यानी कि तुमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 प्लैनेरिया रीजनरेशन याद है कि नहीं याद है, तो प्लैनेरिया बिलोंग्स टू प्लैटीहेल्मिंथस क्योंकि ये फ्लैट होता है, चपटा, फ्लैट, समझ गया अच्छे से। और तो और देखो यहाँ पे, और इनके बारे में जान लो, देखो इनकी बॉडी कैविटी असिलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्रिकल, जाओ वो चार्ट में देखो, आप बार बार मैं चार्ट आपको नहीं दिखाऊंगा, आप वो चार्ट एक बार देख लो ना, वहां पे लिखा रहेगा पक्का प्लैटी, अच्छा चलो दिखा देता हूं, आप लोग का मन नहीं मानेगा, तो प्लैटीहेल्मिंथस में देखो आपको दिखाता हूं, पहला पॉइंट देखो क्या लिखोगे प्लैटीहेल्मिंथस में, यहाँ पे देखो प्लैटीहेल्मिंथस में क्या लिखोगे कि द फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस बिलोंग्स टू सब किंगडम नॉन कॉर्डेट, वो वाले चार्ट से। दूसरा पॉइंट, द हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, द नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, ओके ये 3 पॉइंट, देयर इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, 4 पॉइंट कंप्लीटेड। अब अगला पॉइंट, यहां से प्लैटीहेल्मिंथस में इट इज हैविंग अ बॉडी कैविटी ऑफ असिलोमेट, देखो वहां भी लिखा हुआ था, एंड दे हैविंग अ बॉडी सिमेट्री ऑफ रेडियल सिमेट्री, दैट्स इट, खत्म, मिल गया आंसर, लिखने का तरीका सिखा रहा हूं आपको, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट, कंप्लीटेड। 7 पॉइंट एग्जाम्पल के लिए प्लैनेरिया, प्लैटीहेल्मिंथस में एग्जाम्पल प्लैनेरिया, एग्जाम्पल याद करना जरूरी है, बिना एग्जाम्पल के आंसर कैसे अच्छा लगेगा, ठीक है, तो डायग्राम नहीं आएगा चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल याद रखना। देखो वही चीज लिखा है, सिलोमेट बायलेटरल सिमेट्री, मालूम है ना, यही तो बताया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जम लेयर है, एंडोडर्म एक्टोडर्म सब प्रेजेंट रहता है, खत्म। और देखो यहाँ पे क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी आपको समझ के रखना है। देखो, और हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों रहते हैं, मतलब एक ऐसा एनिमल जिसके पास उसी में, सपोज एक ऐसा इंसान जिसके पास मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन दोनों रहेगा, ऐसे वाले को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो हर्माफ्रोडाइट कौन होता है, सपोज एक ऐसा इंसान, इंसान में नहीं होता है बाबा, सपोज ऐसा कोई एनिमल या प्लांट या कोई भी जिसके अंदर ना मतलब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी रहेगा और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी रहेगा, दोनों एक में ही रहेगा, क्या कमाल है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, समझ गया अच्छे से, इस बात को आपको समझनी है, तो लिख लेना ऐसे। इनकी बॉडी स्लेंडर फ्लैट होती है, ठीक है, स्ट्रिप जैसे रहती है, इसी को हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, फ्लैट वॉर्म एक ऐसा कीड़ा जो फ्लैट होता है, याद करो बस, पढ़ाई में बहुत मजा है, ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया, प्लैटीहेल्मिंथस कंप्लीटेड, दैट्स इट, 7 पॉइंट तो वहां पे मैंने फिक्स कर दिया तुम्हारे, एग्जांपल याद कर लो यहां से प्लैनेरिया, आगे निकलते हैं। अब आते हैं फाइलम एस्केल्मिंथस में, अब देखो एस्केल्मिंथस, एस्केल्मिंथस मतलब एस्केल, ASCHEL, एस्केल, एस्केल मींस होता है, जानते हो क्या एस्केल मींस होता है, रॉड, मतलब एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रिंग, धागा रहता है ना, धागा स्ट्रिंग, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो इनकी बॉडी थ्रेड लाइक होती है और सिलिंड्रिकल होती है, याद रखना अच्छे से। और तो और अब आप वहां से लिख लोगे ना सारा पॉइंट, एस्केल्मिंथस बिलोंग्स टू सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है, ये सब लिख लोगे ना सारा पॉइंट, वहीं से लिखना है। इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है, लिख लो यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल होते हैं, समझ गया, और भी जितना पॉइंट आप एक्वेटिक होते हैं सब लिख डालो, ये लिखना तो लिख लो, वरना मैंने जो 7 पॉइंट बताए वो फिक्स है। और एग्जांपल के लिए इसको याद कर लो, फीमेल एस्केरिस और मेल एस्केरिस,
इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, याद रखना अच्छे से। फ्लैटवर्म जैसा मतलब ये अर्थवर्म जैसा दिखता है बट अर्थवर्म नहीं है, क्योंकि अर्थवर्म में सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनमें सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती, इसके लिए आपको समझ के रखना है। तो एस्केल्मिंथस में सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती, चिकने एकदम सेगमेंटेड नहीं है। अब देखो आपको सेगमेंटेड दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे सेगमेंट है, देखो ना लाइन लाइन है, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में सेगमेंट बताया था, सेगमेंट ऐसे होते हैं सेगमेंट, तो इनमें सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं इसे, लेकिन उसमें क्या था सेगमेंट नहीं था चिकना था, तो उसे नॉन सेगमेंटेड कहेंगे। चलो अब एनेलिडा में आ जाओ, तो एनेलिडा में क्या करो कि बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे भाई, पहली बात तो इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल और लॉन्ग होती है, और तो और यहाँ पे आपको अच्छा एक्टोपैरासाइट मतलब मालूम है ना, जो बाहर से आती हूँ, एक्टो मतलब बाहर, पैरासाइट मतलब जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता हो, पैरासाइट मतलब जैसे कि हम लोग भी पैरासाइट ही है एक तरीके के, हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे फिलहाल पैरासाइट उसे कहा जाता है जो मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल होते हैं उनको कहते हैं, तो ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ये बात आपको समझनी है। ये मरीन और फ्रेश दोनों वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर साफ पानी होता है और जो मरीन है उसमें नमक थोड़ा रहता है, सॉल्टी, ठीक है, इस बात को समझना है। बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक देखो बायलेटरल सिमेट्री, यूसिलोमेट होता है, वो चार्ट में से मिल जाएगा आपको, ये स्पेशल क्यूटिकल होते हैं इनके पास, लिखना लिख दो एग्जाम्पल के लिए, अर्थवर्म याद रखो एनेलिडा में, अर्थवर्म याद रखो, ठीक है, या फिर निरीसिस जो भी याद करने कर लो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आपको मालूम है पूरे के पूरे 10 फाइलम जो हमने पढ़े थे नॉन कॉर्डेट के अंदर, पूरे के पूरे 10 फाइलम में से ये जो आर्थ्रोपोडा है सबसे बड़ा फाइलम कहलाता है, इसके ये इतनी बड़ी कैटेगरी है ना कि इसमें बहुत ज्यादा एनिमल आते हैं, बहुत ज्यादा एनिमल आते हैं। चलो देखते हैं इस कैटेगरी के बारे में, तो आर्थ्रोपोडा ना भाई ये आर्थ्रो मींस होता है जॉइंट, क्या होता है जॉइंट, पोडा मींस होता है लेग्स, यानी कि जिसके पास ज्वाइंट अपेंडेजेस लेग्स, यानी कि जिसके पास ज्वाइंट लेग्स होते हैं उसे कहते हैं ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर वही सारे जो चीटी है, कॉकरोच है, ये सब के सब जिनके पास देखो ज्वाइंट लेग्स होते हैं। आप देखो एक चीटी के पास कैसे पैर रहते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे पैर रहते हैं, और ऐसे ऐसे हमारी चीटी रहती है, देखा नहीं क्या ऐसे ऐसे चीटी रहती है, मालूम नहीं क्या, तो उसके कैसे ज्वाइंट लेग्स, देखो ये यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे हर जगह ज्वाइंट रहता है, तो ज्वाइंट लेग्स वाले कौन होते हैं हमारे आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं, ठीक है, इसको आपको समझ के रखना है। इनकी बॉडी आसिलोमेट होती है, बायलेटरल सिमेट्री, ये जो यहाँ पे कॉमा करके दिया आप एक एक लाइन में लिखने का फुल मार्क्स मिलता है, दिमाग लगाया करो, और इनकी बॉडी सेगमेंटेड रहती है, इस बात को आपको समझ के रखना है। चिटिनियस बॉडी मतलब होती है कि इनके पर एक चिटिन करके लेयर होती है, चिटिन एक प्रोटीन का नाम है जिसके ऊपर चिटिन की लेयर लगी होती है इनकी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में स्किन है वैसे इनकी बॉडी में चिटिन रहता है, ठीक है, इस बात को आपको समझना है। और ये सबसे बड़ा हाईली सक्सेसफुल एनिमल इन द एनिमल किंगडम, मतलब ये ऐसे एनिमल है जो अपनी रक्षा कभी भी कर सकते हैं। अब एक कॉकरोच देखो किधर भी घुस जाता है और अपने आप को बचा लेता है, चींटियां किधर भी बचा लेती हैं अपने आप को, तो ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, ये बात आपको समझ करनी है। और ये लार्जेस्ट फाइलम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन इज द लार्जेस्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है सारे फाइलम में से। क्यों इसको लार्जेस्ट कहते हैं, क्योंकि इस फाइलम के अंदर बहुत ज्यादा एनिमल्स आते हैं, मतलब एक ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल है, समझ गया अच्छे से, इस बात को आपको समझना है, ओके। चलो बाकी तो आप एग्जांपल के लिए याद कर लोगे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये सेंटीपीड है जिसे तुम लोग मराठी में पैसा कहते हो, पैसा, सेंटीपीड, ये कॉकरोच, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, सबके पैर को देखो, पैरों को आपको ना ज्वाइंट दिखेगा, कॉकरोच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये एक ज्वाइंट है, किधर पे ज्वाइंट है देखो, एक इधर पे ज्वाइंट है, इधर भी देखो एक इधर ज्वाइंट है, एक इधर ज्वाइंट है, ऐसे हर जगह देखो ज्वाइंट है इसमें, देखो समझ रहे, ज्वाइंट आपको दिखे, देखो एक यहाँ पे ज्वाइंट, एक यहाँ पे ज्वाइंट, एक यहाँ पे ज्वाइंट, ये कॉकरोच को ज्वाइंट होता है, किसी के ऊपर उसे उठा के से कॉकरोच डाल दिया तो ठीक है, डर मत जाओ, आधे लोग डर गए रहेंगे, डर गए तो कमेंट में बताना, ठीक है, तो कॉकरोच रहता है यहाँ पे, समझ गया अच्छे से, दिस इज द कॉकरोच, ओके, तो इनको ज्वाइंट रहता है, आप नाम याद करने कर लो, ये बिच्छू कितना प्यारा दिखता है ना, इसे बिच्छू लगा के घूमने का चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बिच्छू लगा के क्या घूमेंगे, जब पीछे से टन से मारेगा ना डंक, तब समझ में आएगा सब मर जाओगे, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो फाइलम मोलस्का में आते हैं, मोलस्का, अब देखो जब फाइलम मोलस्का की बारी आती है ना, तो एक बात समझ लेना, देखो जो बजाने वाला शंख होता है, वो बजाते हैं ना, वो शंख, शंख वो मोलस्का ही कहलाता है बेसिकली, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी हो, जो स्नेल जैसा दिखता है ना ऐसा शंख, तो ये बात आपको समझनी, जो ऑक्टोपस होता है आठ आठ पैर वाला, छोटा भीम में ऑक्टोपस को देखे रहोगे, छोटा भीम लड्डू खा के ऑक्टोपस को मार देता है, तो मालूम है ना यही वही ऑक्टोपस, ये मोलस्का के अंदर आता है, इस बात को आपको समझ के रखनी है। तो ये ना सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है हमारा आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट कौन है हमारा यहाँ पे मोलस्का, इसको आपको समझ के रखना है अच्छे से, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये बात आपको जाननी है। और आपको बता देता हूं, देखो इनके पास नॉन सेगमेंटेड बॉडी और ये यूसिलोमेट, बाकी वो सात पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फाइलम मोलस्का बिलोंग्स टू द नॉन सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, दे हैविंग अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड,
हार्ट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड कह देना, ठीक है। फेरेंजियल गिल्स स्लिट इज अब्सेंट बिकॉज ये एक्वेटिक एनिमल है तो फेरेंजियल गिल्स स्लिट नहीं होता इनमें, ये भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रल साइड, और लिख दोगे असिलोमेट है वो सेकंड वाले चार्ट से, दो चार्ट तो याद ही कराया आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, बाकी लिख लेना कि यूनिसेक्सुअल है असेक्सुअल है सब लिखना रहेगा तो लिख लो आपकी मर्जी, बट जो मैंने आपको बता दिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑक्टोपस हमेशा याद रखना, छोटा भीम वाला ऑक्टोपस, ठीक है, जिसको ऑक्टोपस को मार देता है छोटा भीम, मालूम है ना, तो इसको याद रखना अच्छे से। अब आते हैं एक्टिनोडर्मेटा। वर्ड एक्टिनो का मतलब होता है ना नुकीली कोई चीज, आपको मालूम है एक्टिनो, एक्टिनो मतलब स्पाइंस होता है, स्पाइंस, ठीक है। और डर्मेटा मींस होता है स्किन, डर्मा, डर्म, डर्म, डी ई आर एम। तुम देखो कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, स्किन वाले डॉक्टर के पास, ऐसे स्किन वाले डॉक्टर के पास जाओगे ना तो क्या बोलोगे वहां पे, स्किन वाले डॉक्टर के पास जब जाओगे तो वहां लिखा रहता है डर्मेटोलॉजिस्ट, लिखा रहता है ना डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब लॉजिस्ट का मतलब होता है जिसने बहुत पढ़ाई की हो, बट किसके बारे में, डर्मा के बारे में, डर्मा मींस स्किन, जिसने स्किन के बारे में पढ़ाई की हो तो वही होता है डर्म, डर्म मींस होता है कि हमारा स्किन, ठीक है। तो डर्मेटा मींस स्किन और स्पाइंस मतलब एक नुकीली चीजें हैं जो चमकती हो। तो यहाँ पे एक्टिनोडर्मेटा के अंदर जितने भी एनिमल आएंगे ना सबके पास स्पाइंस रहते हैं उनकी बॉडी में, और यही स्पाइंस बहुत चमकते हैं, बेसिकली समुद्र में पाए जाते हैं, ओशन में ऐसे, और ये ट्रिपल ब्लास्टिक और यूसिलोमेट सेकंड चार्ट से आंसर मिल गया। इनकी बॉडी रेडियल सिमेट्री होती है, हमने बॉडी सिमेट्री में पढ़ा था ना, रेडियल सिमेट्री होती है, ये बात याद रखना। सिर्फ स्टार फिश ही तो है जिसके पास रेडियल सिमेट्री होती है, इसे अच्छे से याद रखना अच्छे से। और बस नथिंग, बाकी लिख देना कि नॉन कॉर्डेट को बिलोंग करता है, नोटोकॉर्ड इनमें है क्या, हड्डी है क्या इनमें, नहीं ना, नोटोकॉर्ड इनमें अब्सेंट रहता है, ये सब लिख डालो, खत्म कहानी। तो ये आपको समझ के रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये भी आपका खत्म, बाकी तो सात पॉइंट वही अपने फिक्स है, और एग्जांपल के लिए स्टारफिश, दैट्स इट। अब यहां आते हैं हेमिकॉर्डेटा, ये थोड़ा सा अजीब सा आपको लगेगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए आया है ये। देखो फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमी हेमी, क्रिकेट खेले हो कभी, क्या होता है उसमें, पहले वन डे क्रिकेट, फिर सेमीफाइनल, देन फाइनल, तो वैसे कुछ हेमी, हेमी मीन्स होता है सेमी सेमी, ठीक है। और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा कौन होते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड रहता है, समझ रहे अच्छे से, जिनके पास क्या रहता है, नोटोकॉर्ड रहता है, यानी कि सेमी कॉर्डेटा, यानी कि हेमी कॉर्डेटा एक ही बात है, जिनके पास आधा नोटोकॉर्ड रहता हो, यानी कि एक ऐसा इंसान, अच्छा तुम बताओ जरा, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में कौन आएगा, सेमी सॉलिड, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ना ज्यादा सॉलिड ना ज्यादा लिक्विड, वैसे ही हेमिकॉर्डेटा, ऐसा भी नहीं कि एकदम नोटोकॉर्ड नहीं, एकदम लचीला ऐसे ऐसे है, ठीक है, मतलब उसके पास एक भी नोटोकॉर्ड नहीं है, हड्डी है ही नहीं, बिना हड्डी का है, ऐसा भी नहीं है, और हड्डी, और ऐसा भी नहीं कि एकदम हड्डी टाइट है हमारे जैसा, ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल है बेचारे के पास, समझ गया, इसे कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गया अच्छे से। चलो तो अब इसकी बॉडी के बारे में समझना पड़ेगा, एक्सेप्शनल केस ना, थोड़ा सा इतना तो, इतना सारा दिमाग लगा के पढ़ लिया, ऐसे टाइम पे तो याद करना पड़ता ना, इंपॉर्टेंट है ना ये, समझ लो ना। तो हेमिकॉर्डेटा के लिए बेलेनोग्लोसस, कौन सा एग्जांपल, बेलेनोग्लोसस, कितना प्यारा नाम मेरा ना प्रशांत, क्या नाम लिखा है, बेलेनोग्लोसस, सकेलोग्लोसस, मुंबई वाले ग्लोसस, अब कुछ भी लिखा है, ठीक है चलो। तो बेलेनोग्लोसस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये नाम है इसका। इसके पास तीन पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कोलार, ट्रंक। पहला ऊपर का पार्ट, मुंह वाले पार्ट को मुंह नहीं कह सकता था ये, प्रोबोसिस बोल रहा है, गर्दन को कोलार कहता है, और जो बीच का यहाँ का टेल है उसे ट्रंक कहता है, ट्रंक, समझ गया अच्छे से, नीचे के पार्ट को ट्रंक कहता है, दैट्स इट। इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, जबकि एक्सेप्शनल केस हेमिकॉर्डेटा बिलोंग्स टू नॉन कॉर्डेट सब किंगडम, नॉन कॉर्डेट, याद है कि नहीं याद है, सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा ही तो फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है, इसके पास नोटोकॉर्ड होता है, मालूम है ना, लेकिन जो हेमिकॉर्डेटा है ये नॉन कॉर्डेट को बिलोंग करते हुए भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट करके रखा है, देखो नोटोकॉर्ड इसके पास, लेकिन कहां पे, सिर्फ प्रोबोसिस वाले रीजन में, सिर्फ यहां पर ही नोटोकॉर्ड है, बाकी कहीं नोटोकॉर्ड नहीं है, समझ गया अच्छे से। मतलब इनके बॉडी में सिर्फ, जैसे कि हमारे तो पूरे हर जगह हड्डी हड्डी है, इनके पास सिर्फ प्रोबोसिस यानी कि हेड वाले रीजन में ही हड्डी है, नोटोकॉर्ड है, बाकी कहीं भी नहीं है, इसीलिए इसको हेमिकॉर्डेटा भी कहते हैं, मतलब कि आधे पार्ट में हड्डी बाकी नहीं है, समझा। ये मरीन पानी में पाए जाते हैं, और इनको कभी कभी एकॉर्न वर्म्स भी कहते हैं, इन बातों को समझ रखना, बाकी चीजें तो आप याद कर लो, ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं,
हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि जिनके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही बॉडी में होता हो। क्या कमाल है, ठीक है, समझ गया अच्छे से। तो इन बातों को आपको जान के रखनी है, दैट्स इट। तो फाइलम हेमिकोर्डा के बारे में समझ गया अच्छे से, दैट्स इट। इसके पास नोटोकॉर्ड रहता है सिर्फ प्रोबोसिस वाले रीजन में। कौन से रीजन में? प्रोबोसिस वाले रीजन में। बाकी कोलार और ट्रंक में रहेगा क्या? कोलार ट्रंक में नहीं रहेगा। कहां रहेगा? प्रोबोसिस में रहेगा, कोलार और ट्रंक में नहीं रहेगा। इस बात को आपको समझ के रखना है, दैट्स इट। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से? कोई डाउट आप लोगों को? नो डाउट, ओके फाइन, थैंक यू सो मच। चलो अब आगे निकलते हैं। तो ये हमारा हेमिकोर्डा खत्म। अब यहां के बाद से जितने भी हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे सबके सब में नोटोकॉर्ड रहेगा। अब तक जो भी हमने पढ़ा सबके सब नॉन कॉर्डेट वाले थे, और नॉन कॉर्डेट में सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस था जो कि हेमिकॉर्डेट है, जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं था, सॉरी नोटोकॉर्ड था, बाकी सब में नहीं था, है ना। आपको दिखा देता हूं, चलो 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 शेयर करें, पीडीएफ की शेयर करें। चलो यहां देखो कहां शेयर करके पांचवें चैप्टर में पहुंच गए। चलो यहां देखो, देखो शेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये रहा हमारा हेमिकॉर्डेटा। किसको बिलोंग करता है? नॉन कॉर्डेट को। नॉन कॉर्डेट में क्या होता है? यहां देखा कि नहीं देखा? देखो इसमें नोटोकॉर्ड नॉट प्रेजेंट, अब्सेंट होता है मतलब, समझा। बट हमने वहां क्या देखा कि उसके प्रोबोसिस वाले पार्ट में नोटोकॉर्ड है, दिस इज द एक्सेप्शनल केस। बाकी तो सिर्फ कॉर्डेटा ही है जो कि कॉर्डेट को बिलोंग करता है, जिसके पास नोटोकॉर्ड होता है, बाकी सब किसी भी फाइलम में नहीं होता नोटोकॉर्ड, एक्सेप्ट हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। इस बात को समझ के रखना, बाकी सब नॉर्मल थे, ओके। तो इन बातों को समझ के रखना अच्छे से, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, कब तक इसी में पड़े रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। अब इसको क्या बताना, फाइलम कॉर्डेटा पहले ही बता रखा है कि इनकी पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। देखो इनकी बॉडी में पूरा का पूरा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, और तो और इनकी बॉडी में जो डेवलपमेंट होती है इनमें फेरिंजियल गिल्स स्लिट होते हैं, इनके पास ट्यूबुलर और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है डॉर्सल साइड में, और जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में आगे, जैसे हम वैसे ये भी होते हैं। इनमें जो हार्ट होता है ना धड़कता है ना, तो ये हार्ट जैसे मेरे आगे है यानी कि वेंट्रल साइड में है, और मेरा जो बाकी का चीज़ों कहाँ पे, पीछे साइड में है। इस बात को आपको अच्छे समझ के रखना है। तो ये हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात, यानी कि हार्ट वेंट्रल साइड में हमारे होता है और बाकी नर्व कॉर्ड बैक साइड में रहता है। इस बात को आपको समझ के रखना अच्छे से, ठीक है। दिस इज दी फाइलम कॉर्डेटा के बारे में, ओके लेट्स बिगिन। तो अब हम फाइलम कॉर्डेटा में क्या देखे थे, उस फ्लो चार्ट पहला वाला याद है तो आबाद हो, भूल गए तो बर्बाद हो। तो क्या देखा था फाइलम कॉर्डेटा में? फाइलम कॉर्डेटा में हमने तीन डिवीजन देखे थे, कौन सा? सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और लास्ट वाला वर्टिब्रेटा। देखो यहां पे सेफेलोकॉर्डेटा है और ये रहा वर्टिब्रेटा। देन हमने क्या देखा था कि फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर छह टाइप की क्लासेस देखे थे, कौन से क्लासेस? साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, उसके बाद हमने देखा था एम्फीबिया, और उसके बाद हमने रेप्टिलिया। तो वो जो चार्ट था वो पूरा चैप्टर था, एब्स, इसलिए बोला था आपको याद करने के लिए। जिसने याद किया था उसका फायदा, अभी भी जाओ देखो पहला वीडियो, सेकंड वीडियो, फिर थर्ड वीडियो में आओ, समझा अच्छे से। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा से। एग्जाम में अगर फाइलम कॉर्डेटा के बारे में सिर्फ पूछा तो क्या डिस्क्राइब करोगे? फाइलम कॉर्डेटा बिलोंग्स टू सब किंगडम कॉर्डेट, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? ऑल द एनिमल्स कम्स अंडर कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा हैविंग नोटोकॉर्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फेरिंजियल गिल्स स्लिट इज ऑल्सो प्रेजेंट। चौथा पॉइंट, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। पांचवा पॉइंट, देन नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। समझ गया अच्छे से, ये लिखोगे। उसके बाद आगे क्या लिखोगे? दी फाइलम कॉर्डेटा हैविंग थ्री डिविजन्स, फर्स्ट वन यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड वन सेफेलोकॉर्डेटा, थर्ड वन कौन सा लिखोगे? थर्ड वन वर्टिब्रेटा। तो ये पॉइंट भी लिख डालोगे। अब आपको दिखाता हूं ये सब कहां, देखो यूरोकॉर्डेटा है इधर, देखो सेफेलोकॉर्डेटा इधर, देखो वर्टिब्रेटा है, ये सब लिखोगे। फिर आगे और अगर तुम्हारी इच्छाएं हो तो लिख सकते हो कि इन दी वर्टिब्रेटा देयर आर सिक्स क्लासेस, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, एब्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, लिख डालो तुम्हारी मर्जी, तुम क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से करनी है। चलो तो सब फाइलम कॉर्डेटा में आ जाओ, क्योंकि इतना देखो इसकी कोई नोट्स बनाता है क्या? देखो यहाँ पे खुद ही पॉइंट में सब देके रखा है, कौन नोट्स बनाएगा इसकी, तुम ही बताओ। इस चैप्टर को ट्रिक से समझना होता है, हार्ड वर्क नहीं, ग्यारहवीं में भी ये चैप्टर मिलेगा तुमको। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में आते हैं। अब यहां से आपको याद करना पड़ेगा, यहां पे कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि सब में यहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, सब में नोटोकॉर्ड है, ठीक है। जैसे हमारे में रहता है बोन्स रहती है, वैसे इनमें भी है। तो ये मरीन एनिमल है, पानी में रहते हैं, पहले अभी भी पानी में है, लैंड में कब आएंगे देखेंगे आगे चल के, ये पानी वाले हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में ट्यूनिक प्रेजेंट रहता है, एग्जांपल के लिए हर्डमेनिया और डोलियोलम याद कर लो, और बाकी का जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे सारा का सारा अभी आपको मैंने यहाँ पे देखो बताया था सारी चीजें,
कि यहाँ पे फेरेंजियल गिल्स स्लिट प्रेजेंट रहती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, हार्ट वेंट्रल में है, नर्व कॉर्ड डॉर्सल में है, तो ये सब इनमें भी ठोक सकते हो पॉइंट, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ बस एग्जाम्पल याद रखना कि यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल हार्डमेनिया या डोलियोलम, डोले सोले डोलियोलम, ठीक है, जिसको भी याद रहेगा वो वाला एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल तो याद करना पड़ेगा उसका। मैं, मेरा नाम प्रशांत है तो क्या मैं आपको अभी इसके में कोई कॉन्सेप्ट बताऊं कि मेरा नाम प्रशांत क्यों है? है तो है, तुम्हारा भी वैसे डोलियोलम हार्डमेनिया नाम है, तो क्या करूं मैं, इतना तो आपको करना पड़ेगा ना आपके एंड से। अब देखो सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा में क्या है, चलो देखो, ये स्मॉल होते हैं, करेक्टर है बॉडी का करेक्टर। मैं कैसा हूं, मैं थोड़ा सा काला काला हूं, ओके ठीक है, तो मैं ऐसा हूं, ठीक है, मैं काले कपड़े पहना हूं, थोड़ा सा मैं जैसे दिखता हूं मैं वैसा हूं, ठीक है, तो वैसे ही सेफेलोकॉर्डेटा स्मॉल होते हैं, फिश मछलियों जैसे दिखते हैं और मरीन एनिमल है। मैं कहां रहता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, मिट्टी के ऊपर लैंड में रहता हूं, ये पानी में रहते हैं। तो अब ये सबके बारे में तुम कैरेक्टर बता रहे हो, अब फिर थोड़ी कह सकते हो कि तुम लैंड में क्यों रहते हो, मेरे से पूछेगा तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि मैं लैंड में क्यों रहता हूँ, अब मेरी मर्जी के पानी में मरने जाना है मेरे को। अब एक मछली से पूछो कि मछली रानी तुम पानी में क्यों रहते हो, तो बोलती इधर तेरे को बताती हूँ, थोड़ा टाइम मेरे साथ रहे फिर समझ में आएगा, ठीक है। फिर मैं तेरे से पूछूंगी तू लैंड में क्यों रहता है, पानी में क्यों नहीं रहता, ठीक है। सबके अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं, तो सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर के एनिमल्स भी स्मॉल फिश लाइक और मरीन होते हैं, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, बॉडी की लेंथ अच्छी होती है और फेरिंग्स बहुत बड़ा, फेरिंग्स यहाँ रहते हैं ना, बहुत बड़ा फेरिंग्स इनमें रहता है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द फेरिंग्स, नर्व कॉर्ड है, फेरेंजियल गिल्स स्लिट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लीवर भी है, इंटेस्टाइन भी है, सब कुछ इनको रहता है जैसे हमको होता है, तो इन बातों को आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आते हैं। वर्टिब्रेटा मालूम है क्या होता है, वर्टिब्रेटा मींस वर्टिबल कॉलम्स, जैसे हमारे यहाँ पे देखो हड्डियां ऐसी होती ना, एक हड्डी फिर दूसरी हड्डी फिर तीसरी हड्डी फिर चौथी हड्डी, फिर पतला होते जाता है फिर ऐसे ऐसे होता है, समझा, और यहाँ पे हड्डी रहती है, यहाँ पे फिर बड़ा सा ब्रेन रहता है, मालूम है ना, ऐसी हमारी बॉडी रहती है ना, यस, तो इन्हें हम इस एक कॉलम को क्या कहते हैं, वर्टिबल कॉलम, समझा अच्छे से, वर्टिब्रेटा, तो जिनके पास ऐसी हड्डियां होती है हमारे जैसी बैकबोन जैसी, इन्हें कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो इनमें क्या होता है, यहां से अच्छे समझना, ये एनिमल में पक्का नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वर्टिबल कॉलम से रहते हैं, वही जो कॉलम हड्डियों के सेगमेंट सब मिला के बड़ी सी एक बैकबोन बनाते हैं वही होती है, ठीक है। इनके पास क्रेनियम, ये टकले का ब्रेन रहता है, एंडोस्केलेटन, मतलब जैसे हम एंडोस्केलेटन मालूम ना, एंडो मतलब अंदर होता है, स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा, तो हमारे पास कैसा है, अंदर का हड्डी है, वैसे इनके पास भी एंडोस्केलेटन है। कार्टिलेजिनियस मतलब जानते हो क्या होता है, एक कान की बोन मालूम, यहां भी देखो हमारे पास बोन है, दिस इज द बोन, बट कितनी प्यारी सी बोन है, ऐसे टच करो, ऐसे टच करो जरा, कैसे दिखता है, टन 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 टन, ऐसे है ना, मतलब समझ रहे हो बोन कैसी है, कितनी पतली सी बोन है और ऐसे मूव करती है ना, कितनी सॉफ्ट बोन है ना, तो ऐसी बोन्स को कार्टिलेजिनियस बोन कहते हैं, ऐसी बोन को कार्टिलेजिनियस बोन्स कहते हैं, ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। अब कुछ कुछ ऐसे देखो, मेरे को यहाँ पे जॉ है, ये जो है ना, ये जबड़ा, इसे जॉ कहते हैं, जॉ मालूम है ना, जॉ है ये, तो जिसके पास जॉ नहीं होता उसे एग्नाथा कहते हैं और जिसके पास जॉ होता है उसे नैथोस्टोमेटा कहते हैं, क्लियर। तो ये दो टाइप भी हमारे वर्टिब्रेटा में आते हैं, एक जिसके पास जॉ है, एक जिसके पास जॉ नहीं है, समझ गया, जिसके पास जॉ नहीं है वो कौन है, एग्नाथा, और जिसके पास जॉ है वो कौन है, नैथोस्टोमेटा, दैट्स इट, इतना आपको समझ के रखना है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अब यहां पे आ जाओ, तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, अब क्लासेस, अब वर्टिब्रेटा में छह क्लासेस थी ना, उनके बारे में नहीं जानोगे क्या, तो साइक्लोस्टोमेटा भाई जॉलेस होता है, स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, टेयर्ड दो पैर होते हैं, एंडोस्केलेटन अंदर की जो हड्डी होती है कार्टिलेजिनियस रहती है, यानी सॉफ्ट बोन, कार्टिलेजिनियस मतलब हार्ड बोन नहीं, सॉफ्ट, कान में जैसे हमारे बोन होती है वैसी सॉफ्ट बोन। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोमाइजन और माइक्सिन याद कर लो प्लीज, आई एम सो सॉरी, आपको याद करना पड़ेगा। आगे आते क्लासेस में पीसेस, ये एग्जाम में आया था, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड मतलब नॉर्मली पॉइकिलोथम्स, जो मतलब कि एक्वेटिक रहते हैं और ठंडा इनके अंदर, इनके अंदर जो ब्लड होता है वो ठंडा रहता है एकदम, कोल्ड ब्लडेड, समझ गया अच्छे से, जिनके पास ना एकदम ब्लड जो रहता है वो कोल्ड रहता है, एकदम गर्म इनको खून चाहिए, एकदम ठंडा खून चाहिए, ठंडा गर्म नहीं चाहिए, ठीक है। ये लिविंग मरीन और फ्रेश वाटर में रहते हैं, वाटर रेजिस्टेंस, इनके पास स्पिंडल्स प्रेजेंट होते हैं, सब आप पढ़ लो ना, ये स्विमिंग करते हैं, टेल फिन इनके पास प्रेजेंट रहती है, एक्सोस्केलेटन मतलब हड्डियां होती है, अब ये मछली खाने वाले तुमको मालूम रहेगा ना जो खाते हो, तो इनके अंदर हड्डियां होती है मालूम है ना, हड्डियां, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, तो एक्सोस्केलेटन बाहर हड्डियां भी होती है, ठीक है चलो, तो इन बातों को आपको समझ करना है। एग्जाम्पल रोहू मालूम है, रोही लेबिता, पैम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, शार्क को खाते हो कभी का? शार्क को खाकर बेचारी छोटी छोटी मछलियों को मार के खा लेते हो, शार्क को खाकर दिखाओ तो मानो तुम्हें जोश है, ठीक है चलो, तो इतना तुम्हें समझ, या फिर इलेक्ट्रिक रे को खा के दिखाओ, इलेक्ट्रिक रे एक झटका मारेगी करंट का, सब दूर गिरोगे जाके, फिर मछली खाना भूल जाओगे,
ठीक है, फिर दाल चावल में आ जाओगी। तो देखो भाई, जितने भी नॉन वेजिटेरियन हो, अगर अपने आपको शक्तिशाली समझते हो तो मेरा चैलेंज है, शार्क को खा के दिखाओ। तुम खुद मार, दूसरे ने तू जाके मार फिर खाऊंगा ऐसे नहीं, तुम खुद मार के दिखाओ तब मानू। चलो अभी आगे निकलते हैं। ओके, जो कमजोर है उसको खाते हो, ऐसे थोड़ी चलता है यार। हम तो हैं कमजोर भाई, हम तो दाल चावल वाले हैं, आई एम वेजिटेरियन प्योर। ठीक है, यहाँ देखो अभी क्लास एम्फीबिया में आते हैं। तो क्लास एम्फीबिया, अब ये एम्फीबियंस बड़े दोगले होते हैं, मतलब धोखेबाज है। ये कैसे रहता है मालूम है? ये ना पानी में भी रहता है और ये ना लैंड में भी रहते हैं, मतलब ये बहुत ही धोखेबाज हैं। मतलब अगर इनको मारोगे तो बोलेंगे जा तेरे लैंड में नहीं रहूंगा, मैं पानी में रहूंगा। और अगर पानी में मारोगे बोले जा तेरे पानी में नहीं रहूंगा, मैं लैंड में रहूंगा। मतलब किधर भी रह सकते हैं इनको, इनका नाम है मेंढक। टर्र टर्र करते हैं लेकिन किधर भी पहुंच जाते हैं, समझ गया अच्छे से? तो ये बात आपको समझनी है, ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं और एज वेल एज ये लैंड में भी रहते हैं। और ये रेस्पिरेशन पानी के अंदर भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा सिस्टम तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम तो लैंड को छोड़ के पानी में रहने लगोगे, ठीक है? फिर वहां पे शार्क तुम्हारे साथ पार्किंग करेंगे, मालूम है ना? तो इस बात का आपको समझ के रखना है। तो ये एरियल रेस्पिरेशन, एरियल मतलब हवा में ऐसा रेस्पिरेशन भी करते हैं, और एक्वेटिक पानी के अंदर का भी रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसा सिस्टम इनके अंदर बनाया है। भले कहां से करते हो, इधर से करते हो इधर का रेस्पिरेशन, या फिर यहां से करते हो, चलो उनके पास दोनों जगह, इधर भी और इधर भी, कहीं से भी रेस्पिरेशन दे कैन डू, ठीक है? ओके, डोंट वरी। इनके पास दो पैर होते हैं, जैसे हमारे पास दो पैर है, और तो और इनके पास एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होते हैं, यानी कि हड्डियां नहीं होती, ज्यादातर नहीं होती हैं, ठीक है? नोटोकॉर्डिक रहती है बट ज्यादा हड्डियां नहीं होती, ठीक है? इस बात का कोई समझना है। और तो और इनके पास देखो यहाँ पे देखो, आप दिख रहा होगा, देखो इनके पास कान भी होता है, कान जैसे हमारे पास है कान होता है, जिसका नाम है टिम्पैनम। टिम्पैनम याद है क्या? इनके मेंढक के कान को टिम्पैनम कहते हैं, ठीक है? इस बात का समझ के रखना है। बाकी फ्रॉग और टॉड, टॉड मतलब छोटा सा बच्चा वाला फ्रॉग, और फ्रॉग मतलब फ्रॉग, समझा अच्छे से? इस बात को आपको समझ के रखना अच्छे तरीके से, और कुछ नहीं था। तो दैट्स इट, एम्फीबिया जो दोनों जगह होते हैं। आगे निकलते हैं, रेप्टिलिया में आते हैं। रेप्टिलिया, अब रेप्टिलिया मालूम है ना, सांप बिच्छू ये सब रेप्टिलियंस होते हैं, मालूम है ना? बिच्छू तो फिलहाल एनेलिडा के अंदर आता है, बट रेप्टिलिया जो है हमारा, ये देखो वॉल लिजार्ड, मालूम है ना, जो चिपक के चलता हो दीवालों में चिपक के चलता, उसे रेप्टिलिया कहते हैं। तो ये बेसिकली एनिमल की इवोल्यूशन के बेसिस पे टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये कभी पानी में नहीं रह सकते। रेप्टिलिया के बाद से जो भी क्लासेस आती है सब लैंड वाले हैं। रेप्टिलिया के पहले जो हमने देखा था ना, देखो कोई पानी वाले थे, हमारी जीवन जो जिंदगी है पानी में बनी थी, फिर पानी से लैंड में आए। तो क्लास रेप्टिलिया के पहले एम्फीबियंस देखो कौन था, एम्फीबियन एक कनेक्टिंग लिंक है। देखो अभी यहां पे देखो, पीसेस पानी में ही रहते हैं, लैंड में आते क्या कभी? पीसेस मतलब मछलियां, फिशेस नहीं आते अभी तक। सबका हमने पानी में ही देखा, जितने भी एनिमल सब मरीन थे, पानी थे। एक भी था क्या जो पानी के बाहर था? एनिलिडा में अर्थवर्म को छोड़ के, अर्थवर्म भी पानी में रह सकता है, मालूम है ना? इस बात को आपको समझ के रखनी है। उसके बाद फिर एम्फीबियंस आया। अब कौन, धीरे धीरे हम कहां जा रहे हैं? पानी से लैंड में, यानी पहले पूरा पानी वाला, फिर पानी और लैंड दोनों वाला, अब लैंड वाला, समझा अच्छे से? तो या ऐसे इवोल्यूशन हुआ है एनिमल्स लोगों का, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो रेप्टिलियंस क्या है? अकॉर्डिंग टू, ये पूरा टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में रहता हो, टेरेस्ट्रियल मतलब धरती अर्थ में जो रहता हो। तो ये होते हैं, ये क्रीपिंग, ऐसे क्रीपिंग पकड़ पकड़ के रेंगते हैं, ऐसे ऐसे क्रीपिंग करते हैं, समझ गया? ये कोल्ड ब्लडेड ये भी रहते हैं, मतलब कि ठंडे, ज्यादा गर्म मिजाज के नहीं होते, कोल्ड ब्लडेड मतलब ज्यादा टेम्परेचर इनको नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और ये लैंड में होते हैं, ये बात आपको समझना है। और इनकी स्किन बहुत ड्राई और स्केली होती है, बहुत ड्राई क्योंकि पानी में तो रहते नहीं है, ठीक है? और इनका हेड और ट्रंक रहता है, ईयर इनमें कान नहीं होते, ईयर एब्सेंट रहता है, ठीक है? छिपकलियों के पास कान नहीं होता, इसीलिए जो हमारे इंडिया में बहुत सारी छिपकलियां होती हैं, वो कभी सुनते हैं क्या? नहीं सुनते, ये बात आपको समझ रखना है। वो सिर्फ अपना ही सुनते हैं क्योंकि उनके पास कान ही नहीं होता, ठीक है? इस बात को आपको समझ के रखना है। ओके, नाउ अभी क्लास एप्स की तरफ चलते हैं, क्लास एप्स की तरफ अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखो जरा अच्छे से, तो ये भाई एरियल लाइफ वाले होते हैं। एप्स मतलब कबूतर, बर्ड्स जो उड़ते हैं हवा में, समझ गया? तो ये उड़ने वाले हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि गर्म इनका ब्लड रहता है, और ये मतलब कि ये कैसे, तो होमियोथम्स, मतलब कि ना ये हमेशा ज्यादा ठंडे टाइम पे मतलब कोल्ड ब्लडेड रह नहीं सकते, इनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। मतलब वार्म ब्लडेड मान लो अगर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए, ज्यादा कम नहीं चलेगा, समझा? इसको कहते हैं होमियोथर्म्स। थर्म मतलब होता है, थर्म मतलब होता है हमारा टेम्परेचर, होमियो मतलब सेम। इनकी बॉडी में स्पिंडल मिनिमाइज होता है, और ये एग्जाम में आया भी था, ये एग्जाम में आएगा तो आपको याद रखना कि इसको बीक कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, आईज है, ये नेक है, ये क्लॉज है,
सब एग्जाम में पूछता है तो याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो तो ये एग्जाम में आएगा तो लिख दोगे ना, इनके पास उड़ने के पंख होते हैं हवा में, एरियल, देखो एरियल मतलब हवा में उड़ते हैं, समझ गया। इनके पास फोर लिम्स होता है, विंग्स रहते हैं उड़ने के लिए, नेक होती है गर्दन घुमाने के लिए, मालूम है कबूतर की गर्दन 360 घूमती है, हमारी नहीं घूमती है, ये एवी डिविलियर है 360 मारता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। एग्जाम्पल के लिए पैरोट, पीकॉक, पीजियन, डक, ये सब याद रखना, और ये सब भी एनिमल है। चलो अब आगे आते हैं, लास्ट वाला हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला जानवर जिसका नाम है जो रात में निकलता है, चमगादड़, रात में ऐसा उल्टा लटकता है, यहां से हम लोग भी आगे फिर खत्म। चलो तो ये इनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, जैसे कि हम इंसानों में अभी तक कोई मेमोरी ग्लैंड वाला मिला था क्या? पूरा चैप्टर पढ़ा, कहीं मेमोरी ग्लैंड वाला मिला? नहीं मिला। इसके पास मेमोरी ग्लैंड है, और मैमिलिया के बाद हम पढ़ते हैं ह्यूमन बींग के बारे में, जो कि आपको दिया नहीं है, वो चैप्टर आपको क्लास 11th में मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। तो मेमोरी ग्लैंड मालूम है ना, ब्रेस्ट, बहुत मारूंगा अभी तुम लोगों, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड रहता है इनके पास, और एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, मतलब इनका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, मतलब सपोज 30 डिग्री 30 डिग्री, अगर 1 डिग्री होगा तो हम अकड़ के मर जाएंगे, और 100 डिग्री होगा तो भी हम मर जाएंगे, तो हमारा टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारो, डॉल्फिन, बैट, ये सब मैमिलिया के अंदर ही आते हैं, क्लास मैमिलिया के अंदर ही आते हैं, बट एग्जाम्पल में यहाँ पे बैट देके रखा है, बैट मतलब चमगादड़ देके रखा है, इंसान भी दे सकता था बट इंसान नहीं दिया, इंसान में कहां मेमोरी ग्लैंड दिखाएगा, तो यहां पे इसने मेमोरी ग्लैंड दिखा दिया, समझ गया अच्छे से। इनमें नेल्स, क्लॉज और हुप्स सब होते हैं, ठीक है, इन बातों को आपको जान के रखना है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ह्यूमन के पास भी तो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, इन बातों को आपको समझ के रखना है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, इस तरीके से माइडर आपको सब समझ के रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर हम जल्दी से एक्सरसाइज कर लेंगे और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे ऐसे ही हम और किसी और नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर करना नहीं भूलेगा, अगर आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, शेयर जरूर करना, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।